देखिए ये सारी परिवारवादी पार्टियां अपना परिवार संभालने के लिए सरकारें चलाती है, पर मोदी जी उस व्यक्ति का नाम है जिसने कहा पूरा भारत मेरा परिवार है और इस परिवार को चलाने के लिए मैं सरकार चलाऊंगा। और इस देश में मोदी जी ने बड़ा परिवर्तन करके दिखाया। हम सब लोग जानते हैं कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी जी कहते थे मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो अंतिम आदमी तक 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में व्यवस्था खा जाती है। ये इस देश की हालत थी। गरीबी हटाओ का नारा लगता था और कांग्रेसियों की गरीबी हट जाती थी, लेकिन आम आदमी की गरीबी नहीं हटती थी क्योंकि सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार में समाप्त हो जाता था। लेकिन मोदी जी ने बागडोर संभाली और क्या पहला कहा, मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था मोदी जी ने तैयार की कि अब मोदी जी दिल्ली में बटन दबाते हैं तो 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और सीधा किसान के खाते में 1 रुपया जाता है, मजदूर के खाते में 1 रुपया जाता है, महिलाओं के खातों में 1 रुपया जाता है। अब उसमें से एक ढेला भी एक पैसा भी कोई दलाल कोई बिचौलिया खा नहीं सकता। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए एक नई व्यवस्था को कायम करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए आज मोदी जी एक प्रकार से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया में हर 2 महीने में 3 महीने में सर्वेक्षण होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, और पिछले 5 सालों से सबसे लोकप्रिय मोदी जी है। दुनिया में 75% रेटिंग वाले मोदी जी हैं, हमारे लिए कितनी अभिमान की बात है।